MBBS नहीं मिला, BMS ले लूँ, पर BMS का स्कोप क्या है? क्या BMS में अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी? BMS डॉक्टर्स की इनकम क्या होती है? क्या BMS के बाद अब्रॉड में प्रैक्टिस कर सकते हैं? चैनल तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी यही कुछ डाउट्स जो हर BMS लेने वाले स्टूडेंट के मन में आते हैं कि क्या यार BMS लेना वर्दी है, क्या इसका कोई स्कोप है, अब्रॉड में प्रैक्टिस कर पाएंगे या नहीं, सैलरी अच्छी मिलेगी या नहीं, हमेशा MBBS से कंपैरिजन होता रहेगा, क्या करें। सो आपको मैं आज बताने वाली हूँ कि BMS करने के बाद आपके पास क्या क्या अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो आप परस्यू कर सकते हो। सो इफ यू आर समवन जिसका नीट में स्कोर इतना अच्छा नहीं आ पाया कि उसे MBBS मिल जाए एंड आप सोच रहे हो कि BMS ले लूं और डाउटफुल अपने डिसीजन को लेकर ओनली बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि BMS में शायद कोई स्कोप ना मिले, सो आई वुड रिकमेंड यू ऑल दैट विदाउट एनी डाउट यू कैन चूज BAMS. यस गाइज, बिकॉज आज के टाइम में एंड आई गेस बाय द टाइम वी विल पास आउट, यू एंड आई विल पास आउट ऑफ BMS, आयुर्वेद विल बी अ वेरी फ्लॉरिशिंग करियर। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 12 अमेजिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज आफ्टर BMS. And before getting into the video, I would request you all to please subscribe to the channel because मैं आगे भी बहुत सारी ऐसे BMS related videos लाने वाली हूँ. So if you are someone who is eager to know about BMS, then do subscribe to the channel and please press the bell icon. So without any delays, let's get into the video. So let's see one by one what all job opportunities we have after BMS. So, सबसे पहले बात करते हैं अगर आप सिर्फ एक प्लेन BMS हो, दैट इज BMS करने के बाद आपने कुछ नहीं किया, तब आपके पास क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। सो एज अ प्लेन BMS डॉक्टर अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो इनिशियली आपको 20,000 to 30,000 सैलरी आराम से मिल सकती है जो ग्रेजुअली विद एक्सपीरियंस इंक्रीज करती है एंड इट मे गो अप टू 70,000 to 80,000 एज अ प्लेन BMS डॉक्टर। हाउएवर योर स्किल्स डिसाइड योर पे, that is the more skillful you are the more you get paid. Next, BMS करने के बाद आपके पास private as well as government दोनों ही jobs के paths भी खुल जाते हैं जिसमें आप एक private multi speciality hospital में जब private BMS doctor work कर सकते हो जहाँ पर आपको आराम से initially 30,000 to 40,000 की salary मिलती है which again increases with your experience. एंड इफ आई टॉक अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एज अ गवर्नमेंट डॉक्टर भी वर्क कर सकते हो, वेयर पे इज ऑब्वियसली हायर देन प्राइवेट डॉक्टर्स एंड नॉट ओनली दिस, BMS करने के बाद आप गवर्नमेंट पोस्ट लाइक MO, CMO, AMO एंड ARO ये सारी ऑफिसर ग्रेड की पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। नेक्स्ट, एक और बहुत अच्छा फील्ड है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हो आफ्टर BMS विच इज टीचिंग। यस गाइस, BMS करने के बाद आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज में एज अ लेक्चरर भी वर्क कर सकते हो जहां प्राइवेट कॉलेजेस में आपकी इनकम बिटवीन 70,000 to 1.5 lakhs के बीच में रेंज कर सकती है, वहीं इन गवर्नमेंट कॉलेजेस इट कैन रेंज बिटवीन 1.5 lakhs to 2 lakhs. नेक्स्ट, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या BMS करने के बाद हम आयुर्वेद अब्रॉड में ही प्रैक्टिस कर सकते हैं? सो आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल दैट यस, देयर आर अराउंड 16 कंट्रीज दैट कंसिडर आयुर्वेद एज अ रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल सिस्टम। सो आई हैव मेड अ सेपरेट शॉर्ट वीडियो जहां मैंने बताया है उन 16 कंट्रीज के बारे में, दैट व्हाट ऑल दोस कंट्रीज आर वेयर यू कैन प्रैक्टिस योर आयुर्वेदा। सो इफ यू वॉन्ट टू सी दैट आई लिंक इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। एंड ऑल्सो गाइज, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ ऑन दिस टॉपिक कि कैन वी प्रैक्टिस BMS अब्रॉड, सो स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर दैट वीडियो। सो नेक्स्ट करियर ऑप्शन है रेगुलेशन ऑफ ड्रग डेवलपमेंट। सो एक ऐसा फील्ड है वेयर यू इंस्पेक्ट द ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस और आप इंश्योर करते हो कि जो कंपनीज ड्रग्स बना रही हैं या बेच रही हैं दे कंप्लाई विद ऑल द लॉज एंड रेगुलेशंस और नॉट। सो ये भी एक इंटरेस्टिंग करियर अपॉर्चुनिटी है टू परस्यू आफ्टर BMS.
इसके अलावा यू कैन ऑल्सो वर्क विद कंपनीज जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स और मेडिसिन बनाती हैं एंड बेचती हैं लाइक डाबर, पतंजलि, जीवा एटसेट्रा, जहां आप अपनी मेडिसिन और दूसरे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बना सकते हो और अपनी फार्मेटिक्स की मार्केटिंग भी कर सकते हो। सो अब बात करते हैं सबसे कॉमन पीजी, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की। सो बीएमएस करने के बाद आप एमडी आयुर्वेद या एमएस आयुर्वेदा में अपनी पीजी कर सकते हो, जिसके लिए आपको पहले एक एंट्रेंस टेस्ट विच इज AIAPGET देना होता है, जिसके बारे में मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में भी बताया है। सो एमडी आयुर्वेदा करने के बाद आप एज अ फिजिशियन एंड एमएस आयुर्वेदा करने के बाद एज अ सर्जन प्रैक्टिस कर सकते हो, जहां आप किसी भी हॉस्पिटल में वर्क कर सकते हो या अपना क्लिनिक भी रन कर सकते हो। अनदर वेरी गुड ऑप्शन इज पंचकर्मा सेंटर। यस गाइस, आप अपना खुद का पंचकर्मा सेंटर भी खोल सकते हो। पंचकर्मा प्रैक्टिसेस आर इन हाई डिमांड दीज डेज, मेकिंग इट अ वेरी फ्लोरिशिंग करियर ऑप्शन। एक और बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आफ्टर बीएमएस इज लीगल मेडिकल एडवाइजर। यस गाइस, बीएमएस कंप्लीट करने के बाद आप एलएलबी डिग्री परस्यू कर सकते हो एंड एज अ लीगल मेडिकल एडवाइजर भी वर्क कर सकते हो। नेक्स्ट, बीएमएस के बाद आप एमएचए दैट इज मास्टर इन हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन ये कोर्स भी कर सकते हो, जिसे करने के बाद आप किसी भी हॉस्पिटल की या हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस साइड को रन कर सकते हो। अनदर जॉब अपॉर्चुनिटी आफ्टर बीएमएस इज मास्टर इन पब्लिक हेल्थ, जहां स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाता है टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, वेयर यू इन्फ्लुएंस पब्लिक हेल्थ, एनालाइज डेटा एंड कंडक्ट हेल्थ रिसर्चेस इन ऑर्डर टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। सो ये थी आपकी अराउंड कुछ 12 करियर ऑप्शंस जो आप परस्यू कर सकते हो आफ्टर बीएमएस। सो हु सेज कि बीएमएस के बाद कोई स्कोप नहीं है। इवन इफ बीएमएस में हंड्रेड्स थाउजेंड्स भी करियर अपॉर्चुनिटीज होंगी, स्टिल इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल दैट हाउ यू वर्क एंड हाउ डेडिकेटेड यू आर टूवर्ड्स योर वर्क, दैट विल डिसाइड योर सक्सेस। सो ऑन दैट नोट आई विल टेक अ लीव। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग टिल द एंड। आई होप यू आर लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू।